5:30, और आज मैं जा रहा हूँ संडे राइड पे, जहाँ हमारी R15 V3 का ग्रुप है, वार ग्रुप, और संडे राइड की तैयारी हो चुकी है। मेरा सारा सामान इधर रखा हुआ है, मेरी गियर जैकेट, बस पहनना है और निकलना है। 5:30 हो चुके हैं और 6 बजे हमारा मीटअप पॉइंट है महीपालपुर। हेलो भाई, पहुँच चुका हूँ मैं अपनी बाइक पर। इतनी जल्दी जल्दी करते करते भी लेट हो गए, क्या करें। पहली बार ही व्लॉग बना रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है बाइक के ऊपर। इससे पहले मैंने कभी मोटर व्लॉगिंग तो बनाया नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तो उसके लिए सॉरी। तो हो सकती है पहली बार ही है, अब पता नहीं कैमरे में मेरे में कुछ दिख रहा है या नहीं। 6 बजे पहुँचना था और गूगल पे मैंने अभी नेविगेशन डाला था, टाइम भी जा रहा हो 6:15 का, 6:15 बजे पहुँचूंगा। कोई बात नहीं, 6:30 तक टाइम है। मैं शीशा खोल के चला रहा हूँ क्योंकि इसका जो शीशा है वो ब्लैक है, तो उसमें अगर मैंने बंद कर दिया तो आगे क्लियर दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं शीशा खोल के चलानी पड़ रही है। अब देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। शेड्यूल बहुत बिजी आज, राइड पे जाना, राइड पे जाने के बाद फिर मुझे कहीं जाना है मीटिंग है पंजावला की साइड पे, सीधा वहीं से निकलना पड़ेगा। तो हाँ दिखाएगा वो कितनी दूर है वहाँ से, और कोई नहीं फिलहाल तो जल्दी से पहुँचते हैं पहले महीपालपुर, सारे महीपालपुर पर ही इकट्ठे होंगे, वहाँ से निकलेंगे आगे मानेसर की तरफ। एक कैफे है उससे जाएंगे हम, और अपना वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके इंजॉय करेंगे और घर को आ जाएंगे। रोड भी थोड़ा ऐसे ही है तो सडनली सामने आया। देख के चलना पड़ेगा हाईवे पे, खाली रोड है सब भगाएंगे। राइड के मजे लेने हैं, पहली राइड है, पहला व्लॉग है दोस्तों, गलती हो जाए तो बस सपोर्ट करना, धीरे धीरे। अभी चाहे कितनी भी गलती हो पर व्लॉग तो मैं अपलोड करूँगा, चाहे गलती हो कोई बात नहीं, आप कमेंट करोगे, कमेंट में बताओगे कि हाँ भाई ये गलती है, तभी सुधरेगी गलती, तभी मुझे पता चलेगा ना कि हाँ भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ। और माइक मैंने बहुत पहले टेस्ट करा था इसका रिकॉर्डिंग करके, अभी का मुझे पता नहीं कैसी साउंड आ रही होगी, वॉइस कैसी रिकॉर्ड होगी, जो भी होगा वो तो पता चलेगा बाद में। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको आगे पहुंच के। अपनी राइड शुरू हो चुकी है, अब जा रहे हैं हम महीपालपुर, और ज़्यादा बंदे आज आए नहीं हैं, बहुत कम बंदे आए हैं, सिर्फ 5 बाइक यहाँ आई हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या है इंटरेस्ट नहीं है या क्या बात है। कोई बात नहीं, सिर्फ 5 बाइक हैं और निकल रहे हम राइड पे, राइड तो करनी है ही, कोई आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, और अपने को तो राइड करनी है।
भाई भाग गए सारे छोड़ के। ठंड लग रही है भाई, ठंड लग रही है। भाई बढ़िया, मतलब बाइक चलने में भी 80-100 तो बहुत ही नॉर्मली जा रही है, पता ही नहीं लग रहा कि 80-100 चल भी रही है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, ये शायद रुक गए हैं आगे भाई हमारे, मेरे लिए ही मुझे लग रहा। लगा के हाँ भाई खुला एकदम फ्री हो गई भाई, मजा सा है एकदम से। चलने में ही फायदा है, और दूर दूर गैप करके चलो तो ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता कौन एकदम से इमरजेंसी ब्रेक मार दे तो कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाती है। फिर चलना पड़ता है ना, ऊंचा फूटा ना हो।
पे पहुंच गए हम। तो देख लो भाई पहाड़ पहाड़ के नजारे ले लो भाई। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हमें सारे अपने ग्रुप वाले कहाँ निकल गए, बाहर गए क्या, घूमने पहुंच गए, पूरा एडवेंचर है। फाइनली गाइस मैं चल रहा हूँ दिल्ली में और जाम 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 परेशान हो गया, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं करी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया दिल्ली में, तो ब्रेक मार मार के चलाना, हाईवे पे चलाने का एक अलग ही आनंद है। और दिल्ली में आते ही तो मूड ख़राब हो जाता है, कहाँ आ गए ना, कहीं चला सके ना कुछ ढंग से, बस ब्रेक ब्रेक क्लिच ब्रेक। और इससे पहले जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसमें थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं माइक लगाने भूल गया, और ऐसे ही लगा रहा ये रिकॉर्डिंग, पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं होगी जब माइक ही नहीं लगा, तो बाहर वाले जो कैमरे का माइक है उसमें क्या रिकॉर्डिंग हुई होगी, सारी तो विंड नॉइज आ रही होगी, तो पता ही नहीं चला होगा कि रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। ठंड से इतनी ठंड लग रही थी कि कप कप ही आ रही थी, और अब इतनी गर्मी लग रही है तो मन कर रहा है जैकेट भी उतार के फेंक दूँ, पर क्या करें, पहननी जरूरी है, कहाँ फेंकूँगा, इस रखने की भी जगह नहीं है, तो इसलिए अच्छा मैंने अंदर वाली जैकेट है जो तो निकाल दी, तो सिर्फ ये पहनी हुई है, जाली जाली है, पर इसमें भी फिर भी गर्मी लग रही है। और पहली बार इतनी लंबी राइड करी है तो मेरे तो हाथ भी दर्द हो गए, गर्दन भी दर्द हो गई है, बैंड बज रही है बैंड, कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सही बता रहा हूँ। सुन्न हो चुका है मेरा हाथ, फिर से सुन्न हो गया, तरीका हो इसका सॉल्यूशन कुछ तो बताओ यार,
क्या करा जाए यार, तो मेरी पहली बार है इसलिए ज़्यादा हो रहा है, आदत नहीं है, हो सकता है धीरे धीरे हैबिट होगी तो शायद ना हो। और एक चीज़ और आ रही है मेरे दिमाग में, व्लॉगिंग से रिलेटेड ही है, सोच रहा हूँ मैं वो चीज़, पहले भी सोचा था पर फिर मैंने करा नहीं, अब भी सोच रहा हूँ, अगर मुझे लगा सही है वो चीज़ तो मैं करूँगा। देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता वो चीज़, अगर हो गई तो बहुत ही बढ़िया, वेल एंड गुड है, तो इससे बढ़िया बात नहीं हुई, वो मैं अभी बता नहीं सकता कि क्या है, पर बताऊंगा क्या, जब व्लॉग बनेगा तो आपको पता ही चल जाएगा खुद ही सबको कि क्या है, किस बारे में बोल रहा हूँ। वैसे मज़ा आता है इस बाइक को चलाने का, अलग ही मज़ा, बस थोड़ा सा वही है जो हाथ में दर्द होता है और मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, बाकी कंट्रोल बहुत अच्छा है, लुक वाइज बहुत अच्छी है, लोग देखते हैं बाइक को निकलती है तो, बस थोड़ा सा मेंटेन करके रखो अच्छे से तो सब देखते हैं, और जब देखते हैं तो बस वही चीज़ पैसा वसूल है कि हाँ भाई लेने का फ़ायदा हुआ है, देख रहे हैं लोग वाव चीज़ को। शौक के लिए कर रहे हूँ क्योंकि घूमना तो है, जब भी घूम रहे हैं तो फिर वीडियो भी बनाओ, यूट्यूब पे भी डालो, यादें रहेंगे आगे को कभी देखेंगे कोई तो, हाँ भाई मैं भी देखूंगा अगर कल को तो, हाँ भाई घूमने गया था ऐसे किया था ये क्या था, तो याद रहती हैं सब चीज़ें बस, और तो कुछ नहीं है। और यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि उस पर तो डल गई तो फिर हमेशा के लिए रहती है ये चीज़ें।